साल 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। आम आदमी पार्टी इस दौरान काफी मजबूत स्थिति में थी। दावा किया जा रहा था कि इस बार तो आम आदमी पार्टी ही पंजाब में सरकार बनाएगी, लेकिन तभी अचानक खालिस्तान का मुद्दा उठने लगा। कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए खालिस्तान समर्थित दलों से फंडिंग मिल रही है। हालांकि आरोप उस वक्त सिर्फ आरोप थे, इसे लेकर कोई भी उस वक्त एविडेंस नहीं थे, लेकिन इस आरोप का आम आदमी पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। कहां सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी महज 20 सीटों में सिमट कर रह गई। और अब 8 साल बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ऊपर खालिस्तान समर्थित ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से करोड़ों रुपए की फंडिंग लेने का आरोप लगा है। और यह आरोप लगाया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पर क्या क्या आरोप लगे हैं और सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का जो नाम अब सामने आ रहा है वो क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के कई मंत्रियों समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। कई कोशिशों के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। केजरीवाल ने इस बीच मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ा है और जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। अब इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल या कहें कि आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वीके सक्सेना ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2024 के बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन से 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। अब इस आरोप को लगाने के पीछे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक लिखित शिकायत का हवाला दिया है। उपराज्यपाल को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से एक लिखित शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तानी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथियों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले में एनआईए की जांच की सिफारिश की है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे षड्यंत्र बता रही है। अब ये तो हो गई आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप और उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है उसकी बात। अब आपको सिख फॉर जस्टिस संगठन के बारे में भी बता देते हैं, जिसे लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अमृतसर के खानकोट गांव में एक गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का लड़का रहता था। 90 के शुरुआती दशक में ये लड़का अमेरिका चला जाता है, वहाँ फाइनेंस और कानून की पढ़ाई करता है और फिर अमेरिका में एक लॉ फर्म खोल लेता है। धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स से भी इन्फ्लुएंस होता जाता है और फिर साल 2007 में अपना एक संगठन सिख फॉर जस्टिस बना लेता है, जिसके जरिए वो अलगाववादी सेंटिमेंट्स, स्पेसिफिकली बताऊं तो इस पर खालिस्तान सेंटिमेंट पर काम करने लगता है। इस संगठन का मकसद है सिखों के लिए अलग देश की मांग करना, जिसे ये लोग खालिस्तान का नाम देते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह संगठन हमेशा भारत से पंजाब को अलग करने की बात तो करता है, लेकिन कभी पाकिस्तान के पंजाब को अलग करने की बात नहीं करता है और इसी से इस संगठन के इरादे समझ में आते हैं। साल 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट में ब्लास्ट करने वाले तलविंदर सिंह परमार को ये लोग शहीद कहते हैं। इस ब्लास्ट में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये संगठन आए दिन भारत विरोधी काम करता रहता है, जैसे कि साल 2018 में इस संगठन ने भारत से पंजाब को अलग कराने की मांग को लेकर एक जनमत संग्रह कराने की कोशिश की थी। साल 2020 में एक बार फिर जनमत संग्रह के लिए वोटिंग करने की बात छेड़ी। रेफरेंडम 2020 के नाम से एक वेबसाइट चलाई जा रही है, जिसे सिखों को खालिस्तान के लिए एकजुट करने की अपील की जाती है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को उकसाने और देश तोड़ने की कोशिश करने की वजह से पन्नू को भारत आतंकवादी मानता है और उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस भारत में प्रतिबंधित है। अब ये तो हो गई सिख फॉर जस्टिस संगठन की बात। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए की फंडिंग दी गई है। तो ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर है कौन, जिसका बार बार नाम सामने आता रहता है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर साल 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके का दोषी है। युवा कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भुल्लर जर्मनी भाग गया था।
वहां से गिरफ्तार कर उसे भारत लाया गया। यहां उस पर केस चलाई गई और धारा 302, 307 और टाडा एक्ट में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। तो ये थी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, गुरपतवंत सिंह की और सिख फॉर जस्टिस के साथ ही आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों की पूरी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।